मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA राजधानी देहरादून में तीन जगहों पर वाटर पार्क बन रहा है। बता दें कि 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। साथ ही इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। इनमें खास बात यह होगी कि जहां एक और ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेंगे। इसके तहत ही MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि वाटर पार्क से एक और जहां गिरते भूजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, तो वही दूसरी ओर इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के अनुसार वाटर पार्क को एक मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसी तरह के वाटर पार्क अन्य शहरों में भी विकसित किए जाएंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए, उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, इसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियावाला में दो बड़े तालाब बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसकी उसका प्रयोग करके उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू कर